खैरलांजी के शंकर पिपरिया में जब्त हुआ रेत का अवैध भंडारण। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे खैरलांजी, जनपद अध्यक्ष आसू गुनाराम बघेले और राजा लिल्हारे की शिकायत पर हुई कार्यवाही। खनिज विभाग ने जब्त किया रेत का अवैध डंप और पोकलेन मशीन। 500 डंपर से ज्यादा की रेत हुई जब्त, 50 लाख से ज्यादा की रेत। सूचना देने के बाद भी विलंब से पहुंची खनिज विभाग की टीम। रेत के अवैध डंप से आधा किलोमीटर पीछे छुपाकर रखी गई थी पोकलेन मशीन झाड़ियों में। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है रेत का अवैध कारोबार। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं। अवैध उत्खनन भी उस नदी के घाट में हो रहा है, जो ना सैंक्शन हुआ है ना नीलाम हुआ है। नदी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मोवाड़ रोड में किया गया था रेत का अवैध भंडारण। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, राजा लिल्हारे, जनपद अध्यक्ष आसू गुनाराम बघेले और खैरलांजी जनपद सदस्य के अवैध भंडारण के पहुंचने पर ट्रैक्टर मालिक को और शंकर घाट के सरपंच के साथ बनी थी वाद विवाद की स्थिति, जिसको पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने समझाइश देकर शांत करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैरलांजी क्षेत्र के शंकर पिपरिया रेत घाट जो कि नीलाम हुआ है, ना ही रेत के उत्खनन के लिए सेक्शन है। उस रेत घाट से रेत माफियाओं द्वारा लगभग 500 डंपर रेत का अवैध उत्खनन किया गया और उसका भंडारण नदी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। इसी से समझ में आता है कि रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, जो कि प्रशासन के नाक के नीचे दिन रात रेत की चोरी किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि इतना सब कुछ अवैध तरीके से होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा इन पर कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? क्या शासन प्रशासन भी इसमें लिप्त है? पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रशासन का लिप्त होने का लगाया आरोप। खड़े रहूंगे आप जैसा बोलोगे वैसा हम लोग करेंगे। अब पिछले बार भी हम लोगों ने साथ दिया है, हम लोग तो लड़े हैं उस लेके, लड़े हैं या नहीं लड़े अभी तक बता दो मैं, ठीक है? लेकिन कोई किसी की सुनने तैयार नहीं है। यहाँ पे पूरी नदी लूट डाली इन लोगों ने। हम सुन रहे हैं ना, अभी तो अभी आप सुन रहे मैडम, हम लोग तो पहले खड़े हुए हैं। मैं तो लड़ा हूँ पहले यहाँ पे इन लोगों के लिए। मैडम जी हमारे मालूम है 5 साल से पूरे घाट चालू थे, सिर्फ पिपरिया का बंद था। अरे मैडम वो तो आएगा, आएगा सरपंच हूँ, गांव का नाम आएगा, किसका भी छुपाऊंगा। आपके रहते में भैया बताइए, भैया किसको रोको? मैंने तो आखिर मैंने गौरव भैया से बात किया था, मेरे को ट्रैक्टर के लिए फोन करके 25 बार बताए हुए चीजें, लेकिन ना अधिकारी आता ना कोई आता। आप मुझे फोन करो ना, आप मेरा नंबर लो, मुझे फोन करो, मुझे बुलाओ। अरे आपके गांव में कितनी जनसंख्या कितनी है? भिजवाए उसने गाड़ियां भिजवाए। जनसंख्या कितनी है आपकी गांव की? इधर सुनिए क्या हो रहा है। आप पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जनसंख्या 1100 जनसंख्या है, 11 है ना। अगर आपके 200 भी आ गए ना लोग, उनकी हिम्मत नहीं है 50 लोग की चोरी करने की, क्योंकि वो चोरी है। 100 लोग भी आ गए आपके, 200 लोग भी आ गए, अगर 1100 जनसंख्या है तो उनकी मजा नहीं एक कटोरी लेके निकाल ले आपके पास से। ये बताओ आप 5 साल से आपकी बनती है तो सही बोल रहे हो आप, तो मेरे को मालूम है आया हूँ घर से, चालू कैसे हो गई? इधर चलो सर, एक बात बताता, एक गाड़ी से भी निकलती है रेत, रात में निकलती है, उधर सकरधरा महाराष्ट्र, सिर्फ एरिया बचा है पिपरिया का, सुनो भैया, एक एरिया तो अभी अभी चालू हुआ है, चार एक साल भी नहीं हुआ है। कितने बार दीदी 50 बार हमारे गांव का घाट ऐसा एक दिन नहीं कि लगातार चलेगा, हर दिन झगड़े होंगे, रात के समय हर दिन झगड़े चलते हैं, हम लोग झगड़े में जाते नहीं, जो करना है तुम करो। आप लोग डरते हो इसीलिए तो वो ताकतवर बन रहे, आप लोग डरना बंद करो ना। चालू क्यों होंगी आप लोगों ने? अरे मैं कोई किसी के संभल रहा नहीं है सर, ट्रैक्टर वाला सब जगह चोरी कर रहे हैं, पिपरिया में चोरी करेंगे वहाँ पे, लोगों ने रातों में चोरी की है, सब जगह चोरी करेंगे तो सब लोग चोर बन जाएंगे क्या? और भैया हमारे साथ में इतनी बड़ी घटना घटी है वो आपको हकीकत मालूम है पूरी? हेलो हाँ बोलो, और मालूम है क्या अगर घाट के ट्रैक्टर पे पकड़ा गया ना आपको चुराने की कोई ये नहीं रहेगी? हमने आपके 4 शिकायत कर दी अभी तक लिखित, आपने एक शिकायत की सरपंच तो कितनी शिकायतें कर दी?